हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिमा क्रिएटिव आइडियाज़। तो दोस्तों, अभी चल रहा है ठंड का सीज़न और अभी जो है ना मार्केट में बहुत सारी वेजिटेबल्स आ गई हैं, तो आज मैं उन्हीं वेजिटेबल्स के साथ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है वेजिटेबल वेज बिरयानी की रेसिपी, जो कि ना बहुत ही ईजी है बनाना, और जो बिगिनर्स हैं ना जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है उनको भी ये बनाना बहुत ईजी लगने वाला है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैंने ना बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से इस बिरयानी को बनाना बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो देखिए, मैंने ना बासमती चावल दो जो गिलास है उसको ऐसे पहले पका लिया है। हमें चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये सब देखिए, मैंने वेजिटेबल्स ले ली है। और क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ना सोया चंक्स ऐसे गर्म पानी में ऐसे उबाल ले रही हूँ। थोड़ा सा ही, हमें ज़्यादा नहीं उबालना है। और सोया चंक्स को क्या करना है ना, ठंडे पानी से अच्छे से निचोड़ लेना है। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया है और प्याज को ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा था, उसको ना हमें क्या करना है, ब्राउन करना है। और बिरयानी में ना ब्राउन अनियन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो हम इसको देखिए ब्राउन कर लेंगे। हो गया है ये ब्राउन। हमें ब्राउन करते टाइम फ्लेम को ना मीडियम लो रखना है, ज़्यादा हाई करेंगे तो ये जल्दी जल जाएंगे। तो अब इसको निकाल लेंगे हम। अब तेल में देखिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले जैसे दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च डाल दिया, और एक स्टार फूल भी डाला है। साथ में मैंने डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा, तो इसमें मैं डाल रही हूँ देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे और ना फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। तो अब दोनों देखिए कलर चेंज हो गया है। तो पहले मैं गोभी डाल रही हूँ, फूल गोभी, क्योंकि फूल गोभी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ना इसको थोड़ा सा हम पहले फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। और देखिए 2 मिनट बाद ये थोड़ा सा फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें मटर, एकदम फ्रेश मटर है। फिर डाल दे रही हूँ इसमें साथ में ही गाजर। आप इसमें शिमला मिर्च वगैरह, मशरूम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब डल गया है गाजर। और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक, ताकि जल्दी से जो हमारे वेजिटेबल्स हैं ना वो कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 2-3 मिनट के लिए ऐसे चला लेना है। और 2 मिनट के लिए इसको ढक दे, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे सोया चंक्स को भी डाल दिया है। आप इसमें आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया चंक्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर है यहाँ पे, उसको भी डाल दिया है। और इसको साथ में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे मसाले। जैसे मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच में यहाँ पे जीरा पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे देखिए शाही बिरयानी मसाला। ये बहुत ज़रूरी है फ्लेवर लाने के लिए, इसको ज़रूर आप डालिए। अब सारे मसालों को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ना हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है, ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स और मसाले हैं वो जले ना। अब 2 मिनट के लिए ढक के मैंने मसालों को भी पका लिया है। अब लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया, हरा धनिया, और इसको भी थोड़ा मिक्स कर ले रही हूँ। तब देखिए हम इसमें लेयर वाली बिरयानी बनाने वाले हैं। तो मैं ना आधी जो सब्ज़ी है उसको निकाल ले रही हूँ, फिर आधे जो वेजिटेबल्स उसमें मैं देखिए फ्राइड अनियन जो ब्राउन किए थे हमने उसको डाल दिया थोड़ा सा। और अब इसमें हम लेयर बनाएंगे। तो मैंने देखिए चावल को डाल दिया है। चावल को हमें ना ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस ये 98% तक ऐसे कुक हो जाए और 2% बचा रहे ऐसे डालिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, ये येलो कलर है, इसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया था। और मैं डाल रही हूँ अभी घी। घी हमारा जो इसलिए डाला जाता है ताकि ना हमारा जो चावल है वो सॉफ्ट रहे। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक
और ऊपर से फिर एक लेयर हम यहाँ पे ब्राउन अनियन डालेंगे। फिर आप चाहें तो इसमें ना थोड़ा सा ऐसे हरी मिर्च का मतलब डाल सकते हैं, डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है। और फिर डालेंगे इसमें हरा धनिया, आप इसमें पुदीना की पत्तियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब ऊपर से ये जो सब्ज़ी हमने पहले निकाली थी उसको भी डाल देंगे। फिर इसमें ना एक लेयर और बना रहे हैं हम चावल का, जितने भी हमारे बचे हुए चावल है उसका एक और लेयर बना लेते हैं। फिर लेयर बनाने के बाद फिर सेम जो हमारा प्रोसेस है उसको फिर करेंगे। जैसे हमारा ब्राउन अनियन हो गया, उसको भी डाल देंगे इसमें। देखिए जो भी बचा हुआ था उसको डाल दे रहे हैं। फिर इसमें डाल रही हूँ मैं फूड कलर। आप फूड कलर की जगह पे केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ना जो हमारी बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ, घी इसको मॉइस्ट रखता है हमारे चावल को। फिर और ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं और मिर्ची से ऐसे डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो बस अब क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा मतलब एकदम डायरेक्ट कुक नहीं करना है। एक तवे को गैस पे चढ़ा लीजिए मीडियम फ्लेम पे, और हमारे जो मतलब कढ़ाई है उसको रख के, जो कढ़ाई का जो वो रहता है ओपन, उसको मैंने कवर कर दिया था। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए हमारी वेज बिरयानी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल खिली खिली, बहुत ही अच्छी। एक बार में ही आपको बनाना आ जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।